हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एप्पल जैम। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कटे हुए एप्पल, ग्रेटेड बीटरूट, शुगर, लेमन एंड हाफ कप वाटर। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, इसमें हम डाइस किए हुए एप्पल ऐड करेंगे और बीटरूट ऐड करेंगे। और इसमें हाफ कप वाटर डालेंगे। इसको हम मैश कर देंगे, 5 मिनट तक हाई फ्लेम में रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है। बीटरूट जो है इसको नेचुरल कलर दे रहा है। अब इसको हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, 5 मिनट के बाद ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हम अच्छे से अब मैश करेंगे। इसको हम मैशर से भी मैश कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी कुछ एप्पल अच्छे से नहीं पके हैं, तो हम अभी थोड़ी और देर इनको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं और अच्छे से मैश हो जाए और इवन टोन आ जाए। इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। ताकि ये इवन टोन हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें अभी छोटे छोटे पीसेस रह गए हैं जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हम इसे अच्छे से मैश करेंगे और 1-2 मिनट और ढककर पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये अच्छे से अब मैश हो गया है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए। Thank you.
फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो हमारा जैम अब थिक हो गया है और ये बनकर तैयार है। इसकी पहचान ये है कि ये थोड़ा शाइनी शाइनी सा दिखता है, मतलब ट्रांसल्यूसेंट सा होना चाहिए ये। अब जो हमने लेमन ले रखा है उसको हम एंड में डालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा, अगर गर्म में डालेंगे तो ये कड़वा टेस्ट देगा। अब इसको ठंडा करके हम इसमें नींबू ऐड करेंगे और हमारा जैम तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हो अब ये हमारा जैम ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स नींबू की ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, अब आपका जैम रेडी है। Thank you for watching.